किसान साथियों, अपना कृषि समाज चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं सोनालिका DI-55 की, जो 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है किसान भाई ने लिया है, और किस तरह का किसान भाई का उसके साथ अनुभव रहा है, किस तरह की परफॉर्मेंस ट्रैक्टर दे रहा है, और किस किस एम्प्लीमेंट में उन्होंने चलाया है, और कितने का उन्होंने ख़रीदा था, इस सब विषय में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परिचय कराते हैं किसान भाई से। तो भाई, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, और हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दे दीजिए। जी, आपका नाम क्या? रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार, गांव कपसा, जिला बुलंद शहर, तहसील सियाना। अच्छा रविंद्र भाई, जैसे आपके पास में ये सोनालिका 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जी, हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह का ट्रैक्टर है ये, और कैसा आपका इसके साथ अनुभव रहा है, और इससे पहले आपके पास कौन कौन से ट्रैक्टर हैं? हमारे पास पहले सोनालिका 45 था, अब 55 लिया था। अच्छा, सोनालिका 55 45 था पहले? हाँ जी। अच्छा, 45 की कैसी परफॉर्मेंस थी? वो भी बढ़िया था, ये भी। अच्छा, ये जो आपने 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर खरीदा है जी, तो मतलब किस उद्देश्य से खरीदा, क्या समय खरीदा है, मतलब सोनालिका के पहले अच्छी परफॉर्मेंस देखने के साथ में? पहले वो बढ़िया लगा था, इसी वजह से अब दूसरा लिया। वो पहले छोटा था, अब बड़ा लिया। अच्छा, बड़ा लिया है। हाँ जी। तो रविंद्र भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि जी, इसका आपने किस किस इम्प्लीमेंट पे चलाया ये? गेहूँ वाली मशीन पे भी चलाया, कटर पे भी। अच्छा, हैरो पे भी, टिलर पे भी, रूटर पे भी। अच्छा, हैरो पे, रूटर, वेटर पे, और कटर थ्रेसर पे भी। हाँ जी। अच्छा, कितना समय हो गया आपको इसको लिए? लगभग 7 महीना करीब हो गए। 7-8। अच्छा, 7 महीने हो गए। तो 7 महीने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ट्रैक्टर में आई हो, या कोई परेशानी किसी प्रकार की आपको? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो रविंद्र भाई, हाँ जी, आप इसके एवरेज के बारे में बताइए। जैसे आपने टिलर पे भी चलाया, रूटावेटर पे भी चलाया है, और कटर थ्रेसर पे भी चलाया है, तो रूटावेटर पे क्या एवरेज है इसकी? समथिंग 1 लीटर करीब भी गया मैं। समथिंग 1 लीटर के करीब भी गया मैं। मतलब ये मानो कि एक हमारे यहाँ 6 बीघे होते हैं 1 एकड़ में, तो लगभग 1 एकड़ में 6 लीटर तेल। हाँ जी। अच्छा, और टिलर हैरो पर? वो पे तो ये 700-800 ग्राम का लगभग। 700-800 ग्राम का लगभग एवरेज है। हाँ जी। अच्छा, और कटर थ्रेसर पे? कटर पे तो अंदाज ऐसे ही चलाया जो कहा ना, पर एक गली 7 मिनट डीजल। मतलब सोनाली का 45 के और इसके 55 में मतलब क्या अंतर महसूस करते हो आप? हमें तो बढ़िया ही लगा, उससे तो और भी ज़्यादा ही बेहतर लगा। अच्छा, डीजल का तो लगभग तनमनी ज़्यादा है, नहीं तो उसके मतलब उतना काम भी ज़्यादा है। हाँ जी। मतलब थोड़ा सा अगर बड़ा भी है, क्योंकि वो 45 हॉर्स पावर का था, ये 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जी, और तो उसके हिसाब से काम भी ज़्यादा करेगा। काम भी बहुत ज़्यादा। हाँ, और थोड़ा घना डीजल का एवरेज का तो फर्क पड़ता ही है। हाँ। तो इस समय आपको मतलब किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं कोई है? एवरेज है, सब चीज़ बढ़िया है। अच्छा, सब चीज़ से संतुष्ट हो? अच्छा, इसमें कोई कमी महसूस होती हो या और कोई खास विशेषता, वो बताइए कि भाई सबसे बड़ी मुझे विशेषता इसमें ये लगती है। इसमें विशेषता तो यही है कि ऊंचा बहुत है और अच्छा लगता है, आदमी बैठा देखता जो। अच्छा, मतलब ऊंचा लगता है और चलाने में मतलब अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है। अच्छा, बेस्ट लुक है। तो किसान साथियों, ये था हमारे साथ में। तो किसान साथियों, ये सोनाली का 55 ट्रैक्टर है। किसान भाई से भी इसके बारे में बात हुई है, किसान भाई बहुत संतुष्ट हैं, और ये आज की डेट में किसानों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है, बहुत दमदार ट्रैक्टर है। तो आइए इसके कुछ फीचरों पर नज़र डालते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो किसान भाइयों, बड़ी एक मतलब अट्रैक्टिव लुक के साथ में आता है। यहाँ सोनाली का इंटरनेशनल की बैजिंग दी हुई है, DI-55 है, और ये किसान भाइयों, अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें 4087 cc का एक शक्तिशाली दमदार इंजन है, 4 सिलेंडर में आता है, वाटर कूल्ड इंजन है इसका। और किसान भाइयों, अगर इसके एयर फिल्टर की बात करें तो इसका बाथ टाइप ऑयल एयर फिल्टर है, और आगे से भी आप देख सकते हो किसान भाइयों, बड़ी एक अट्रैक्टिव लुक के साथ में ट्रैक्टर है। और अगर इसके फ्रंट टायर की बात करें तो 750 फ्रंट टायर 750 16 का है, और
रियर टायर की बात करें तो 1628 का रियर टायर है किसान भाइयों। अगर इसके गियरों की बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ में आता है। और अगर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो किसान भाइयों 2000 केजी की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। बहुत दमदार और एक ऊंचा ट्रैक्टर है, एक अलग ही इसकी अट्रैक्टिव लुक है। और किसान भाइयों साथ में ही यहाँ जो है इसके डिस्ट्रीब्यूटर वाल दिए गए हैं, इसमें आप कंप्यूटर मांझा चला सकते हैं, ट्रॉली चला सकते हैं, MB प्लाव चला सकते हैं। और अगर किसान भाइयों इसकी PTO की बात करें तो इसमें लगभग 38 किलोवाट की PTO दी है। एक शक्तिशाली इंजन है, आप देख सकते हो एक अट्रैक्टिव लुक के साथ में है। तो किसान भाइयों ये था सोनालिका DI का एक किसान का अनुभव भी और किसान साथियों ट्रैक्टर्स के फीचर्स भी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए है बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।